वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज है 31 मई 2021। तो आज की कुछ खास खबरें जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, हाल ही के दिनों में जो चर्चाओं में रही हैं। देखिए क्या, इंडिया एज द चेयर विल होस्ट द एनुअल ब्रिक्स। ठीक है, पहले ये वाली न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, SDFC कमिट्स ₹100 करोड़ मोर फॉर 20 ऑक्सीजन प्लांट्स। यानी देखिए अब क्या है, SDFC बैंक देने वाला है कितना, 100 करोड़ रुपीज, इंडियन रुपीज। ठीक है, किसके लिए, COVID-19 के लिए। ठीक है, यानी उनको भाई जो भी फैसिलिटी वगैरह है जो उसको इम्प्रूव करने के लिए 100 करोड़ रुपीज देने वाला है कौन, SDFC बैंक। ठीक है, इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि अभी एक दो दिन पहले की न्यूज थी, उसमें क्या हुआ था कि SDFC बैंक पर ऑटो लोन में इरेगुलरिटीज के कारण RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ का पेनल्टी लगाई थी, फाइन लगाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, SDFC बैंक पर 10 करोड़ की पेनल्टी फाइन लगाया गया था RBI के द्वारा ऑटो लोन में इरेगुलरिटीज के कारण। ठीक है, दूसरी न्यूज अब ये है कि SDFC कमिट्स, SDFC देने वाला है कितने, 100 करोड़ रुपए फॉर COVID-19 फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज है, तो उसमें 10 करोड़ का अमाउंट था, इसमें 100 करोड़ का अमाउंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एज द चेयर विल होस्ट द एनुअल ब्रिक्स समिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2021। यानी इंडिया होस्ट करने वाला है, चेयर करने वाला है किस चीज को, एनुअल ब्रिक्स समिट जो होती है, वार्षिक ब्रिक्स की जो मीटिंग्स होती है उनको चेयर अप करने वाला है। ठीक है, चेयर करने वाला है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखनी है भाई, ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे होने वाला है, तो भारत में। ठीक है, कब का, 2021 की बात करें, चेयर कौन है, ठीक है, कौन चेयर पर्सन रहेगा इसका, तो ये रहेंगे भारत के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच। ठीक है भाई, नोवाक जोकोविच है तो डी साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड के नंबर वन खिलाड़ी कौन है अभी, तो ये है नोवाक जोकोविच। ठीक है, इन्होंने 83rd अपने जीवन का 83rd टाइटल ऑफ हिज कैरियर, अपने जीवन का, अपने मतलब प्रोफेशनल जीवन का, ठीक है, 83वां टाइटल जीता है, और इसका नाम क्या है, बेलग्रेड ओपन। ठीक है, ये इन्होंने जीत लिया है, तो नाम है नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट न्यूज, जर्मनी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कॉलोनियल एरा नामीबिया जीनोसाइड। तो आप जान लीजिए, जर्मनी ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये कबूल किया है कि कॉलोनियल एरा में, उस समय में मतलब कि जिस तरह से अंग्रेजों का शासन था भारत पे, तो अंग्रेजों के लिए भारत एक कॉलोनी हुआ करता था, जहां वो व्यापार करा करते थे, पैसा कमाया करते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता, तो राज किया करते थे वहां पे। इसी तरह जर्मनी की कॉलोनी रही थी नामीबिया, तो नामीबिया में एक जीनोसाइड हुआ था, कब हुआ, तो लगभग एक शतक पुरानी बात है, यानी 100 वर्ष लगभग हो चुके हैं, तो एक सेंचुरी पुरानी बात हो गई है। तो अब इन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को कि भाई हाँ, जो जीनोसाइड किया गया, तो जीनोसाइड मतलब बहुत सारे लोग मास में एक साथ लोगों को जब मार दिया जाता है, जबरदस्ती मार दिया जाता है, तो उस चीज को कहते हैं जीनोसाइड, यानी उसमें जर्मनी का हाथ था। तो ये स्वीकार कर लिया है जर्मनी ने ऑफिशियली। ठीक है, चलिए अब वो इसको पे करने वाला कुछ मनी के रूप में, भाई जो जिनोसाइड हो चुका वो तो हो चुका, अब वो इसको कुछ पेनल्टी के रूप में, फाइन, पैसे के रूप में, मतलब पैसा कुछ पे करना चाहता है नामीबिया को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, इंडिया विल लॉन्च यूनाइट अवेयर। ठीक है, इंडिया लॉन्च करने वाला है क्या, यूनाइट अवेयर, ए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जो कि फॉर द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स टू इम्प्रूव देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर्स होते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब ये कौन होते हैं भाई, तो यूनाइटेड नेशन देखिए क्या करता है, जब भी विश्व में कहीं अशांति फैलती है, दंगे वगैरह होते हैं, इस टाइप की चीजें होती है, अशांति फैलती है, चाहे वो किन्हीं कारणों से हो, तो वहां पे यूनाइटेड नेशन अपनी सेना भेजता है। यूनाइटेड नेशन के पास अपनी सेना तो होती नहीं, ठीक है, सभी देशों के थोड़े थोड़े सैनिक वगैरह वहां पे इंक्लूड रहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है, यूनाइट अवेयर मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने किया है, तो इंडिया लॉन्च कर रहा है इसको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, द लॉन्च ऑफ युवा। पहले युवा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, युवा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो ऑथर्स मतलब कवियों के लिए, लेखकों के लिए कुछ चीज है, is in tune with PM visions to encourage young authors to write about India's freedom. तो यानी कि भारत चाहता है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि युवा स्कीम के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता संग्राम को अच्छे से लिखा जाए, उसको रिप्रेजेंट करा जाए। ठीक है, अब इसमें क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री का यह कहना है कि द गवर्नमेंट टुडे लॉन्च युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग, मेंशन किया जाए, उनको मेंटर किया जाएगा
एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन। कितने लोगों के लिए है प्रोग्राम? 75 लोग हैं जो यंग आप कह सकते हैं ऑथर से उनको सेलेक्ट किया गया, उनके लिए यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो 30 इयर्स ऑफ एज, जो कि 30 साल से कम उम्र के होंगे उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किस चीज को? रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ने के लिए और लेखन के लिए, ठीक है, तो ये इंप्रूव किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अच्छी न्यूज है, आगे चलते हैं। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, ठीक है, अब देखिए क्या है, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जिसका पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म है IBF, विच रिप्रेजेंट द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये टेलीविजन इन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता था, उन पे नजर रखा करता था कि भाई कोई भी सीरियल आ रहा है या मूवी आ रही है, कोई भी ऐसा कंटेंट टीवी पे ना आए, ठीक है, जो कि लोगों के लिए हार्मफुल हो, तो इन सब चीजों पे ये नजर रखा करता था। अब इसका रीनेम्ड कर दिया गया, इसको दोबारा से नाम दिया जाने वाला है, दोबारा से नामकरण किया जा रहा है, इसका नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी ब्रॉडकास्टिंग तो पहले से था ही, अब इसमें और जोड़ दिया गया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी अब इसका नाम हो गया IVDF, पहले हुआ करता IBF, अब हो गया IVDF, ठीक है, इसका नाम हो गया। चलिए दोस्तों, तो इसमें जानते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया है, तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अंडर द एम्बिट ओवर द टॉप OTT प्लेयर्स, ठीक है, यानी कि ओवर द टॉप, यानी OTT जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो आप समझिए इस चीज को कि हाल के दिनों में क्या हुआ, देखिए वेब सीरीज आती हैं, सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे वेब सीरीज पे देख रहे होंगे आप, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसके, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन आप भी बहुत सारे वेब सीरीज या सीरियल्स वगैरह ही जो देख रहे हैं, या मूवी भी OTT पे रिलीज होती है तो उनको देख रहे हैं, तो उन पे कैसे निगरानी रखी जाए, चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसको देखते हुए अब ये, यानी कि टीवी की चीज कंटेंट को तो कंट्रोल करता ही था, अब क्या करेगा OTT की चीजों को भी ये कंट्रोल करेंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, IIT रोपड़, ठीक है, तो IIT रोपण नाम याद रखना है, इन्होंने डेवलप किया है यूनिक, एक अपनी तरह का अनूठा, क्या, फेक बस्टर्स, तो ध्यान रखना, फेक बस्टर डेवलप किया गया IIT रोपण के द्वारा टू डिटेक्ट इम्पोस्टर अटेंडिंग ए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस देखिए क्या होता है, जब हम कोई वीडियो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कोई अपना चेहरा अलग तरह का बना लेगा, ठीक है, कोई अपना बैकग्राउंड चेंज कर ले, कोई स्माइली वहां पे कर दे, कुछ इस टाइप की चीजें मतलब अपना लोग कर लेते हैं कुछ लोग, तो फेक बस्टर का मीनिंग क्या है, वो ओरिजिनल चीज को पहचानने के लिए क्या करेगा, इन्होंने यूनिक डिटेक्टर लॉन्च किया जिसका नाम है फेक बस्टर। किसने लॉन्च किया? IIT रोपड़। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM, ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है, NDHM, ये आपसे उल्टा भी कर सके पूछ सकता है NDHM की फुल फॉर्म क्या है, ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे, तो 74th इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, अभी ये फंक्शनिंग करने वाला है अपनी। चलिए दोस्तों, तो क्या हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं तब से तो भाई क्या कोरोना ही चल रहा है, दिस इज ए पार्ट ऑफ 3 डिजिटल अनाउंसमेंट, ठीक है, वहां पे 3 अनाउंसमेंट किए गए थे, उसी का ये हिस्सा है, इंक्लूडिंग ए न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आए हैं, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी जाएगी 6,00,000 गांवों को, ठीक है, आज भी ऑप्टिकल फाइबर मतलब वायर केबल के थ्रू जो इंटरनेट गांव में सप्लाई होता है, आप जानते हैं वो बहुत, ये जो आपके मोबाइल के नेटवर्क चलते हैं उनसे ज्यादा तेज उसकी स्पीड होती है, तो चलिए अच्छी बात है, 6,00,000 गांवों को, तो ये संख्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, इट विल ऑल्सो इंक्लूड ई फार्मेसी, इसमें ई फार्मेसी भी इंक्लूड रहेगा, टेलीमेडिसिन यानी हेल्थ केयर सेक्टर से भी रिलेट रहेगा, और सुनिए इसको कौन ऑपरेट करता है, तो ये ऑपरेट हो रहा है अंडर NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत हेल्थ आईडी, इसमें क्या होगा, एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी पर्सन की, सभी लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, द नेशनल हेल्थ आईडी विल बी रिपोजिटरी ऑफ ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी इंडियन, यानी जिस तरह से हमारा आधार कार्ड है उसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, इसी तरह से हेल्थ आईडी में आपकी हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी जानकारियां उसमें इंक्लूड रहेंगी, कब कब आप हॉस्पिटल गए, कब आपको कौन सी बीमारी हुई, कब कितना इलाज, उस टाइप की डिटेल्स इसमें रहने वाली है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आपके सामने आता है तो आपको हेल्थ में मतलब आपका इलाज करने में चीजें मददगार साबित हो, तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये हेल्थ आईडी में ये सब चीजें रहने वाली है और एवरी इंडियन की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। आइए दोस्तों,
नेक्स्ट न्यूज, ए न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रीमलाइन कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखना है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंडिंग फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो कहाँ है ये, है येदुरप्पा जी कर्नाटका के CM है, ठीक है। तो कर्नाटक की बात हो रही है, देखिए क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाने वाला है, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि फैसिलिटेट हो सके, आराम से चीजें हों, स्मूथ लाइन हो, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हम सभी जानते हैं कि भाई कॉरपोरेट जो होते हैं, जो बिजनेस होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं या कोई कंपनी होती है, वो क्या करती हैं भाई, समाज के लोगों से ही पैसा कमाती हैं, वहाँ बिजनेस करती हैं, पैसा कमाती हैं। तो ये उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बदले में जिस समाज से वो पैसा कमा रही हैं उसके लिए भी कुछ करें, ठीक है। तो ये होती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसमें समझते हैं कि भाई इसको लेकर इन्होंने क्या किया है, न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए क्या है, फंडिंग फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, तो आपको नाम भी ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, आकांक्षा, ठीक है। नाम क्या दिया गया इसको, नाम दिया गया आकांक्षा, ठीक है, AKANKSHA आकांक्षा इसको नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना है CSR। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चेल्सिया वन द फाइनल 1-0 फॉर देयर सेकेंड UEFA चैंपियंस लीग टाइटल। तो चेल्सिया ने जीत लिया है, क्या जीता है इन्होंने, जीता UEFA चैंपियंस लीग 2021 का इन लोगों ने जीत लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, अब क्या नेक्स्ट न्यूज, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इन्होंने लॉन्च की है, कहां, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, आप ध्यान रखना है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये गुजरात में भी इसी तरह की सेम टाइप की, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है उसमें, लेकिन गुजरात में भी लॉन्च की गई है। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहता तब आप गुजरात लगा सकते हैं, या गुजरात ऑप्शन में ना हो तो उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं, ठीक। चलिए तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च ए वेलफेयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए है, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा स्कीम किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट आइदर वन और बोथ पेरेंट्स टू COVID-19, यानी कोरोना के कारण जिनके पेरेंट्स का निधन हो चुका है, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए ₹4,000 पर मंथ, ठीक है, ₹4,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऑल्सो प्रोवाइड लैपटॉप्स एंड टैबलेट फॉर देयर ऑनलाइन स्टडीज, उनकी ऑनलाइन स्टडीज के लिए लैपटॉप या मोबाइल टैबलेट्स वगैरह उनको दी जाएंगी। एंड अमाउंट ऑफ 101,000 विल बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मैरिज ऑफ द गर्ल्स, यानी जब क्या लड़कियां शादी लायक हो जाएंगी तो उनको 101,000 रुपए की मदद वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो इस तरह की स्कीम लॉन्च की है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आइए दोस्तों आज की न्यूज के लिए बस इतना ही, तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।